क्या ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है वाला टाइम जा चुका है। ये मन में संदेह मत रखिए बिल्कुल भी कि क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता ये मत पूछिए, संदेह मत रखिए। दो मिनट जरा विस्तार से आपको समझा देता हूं। देखिए आज की तारीख में लगभग सारे ही लोगों के पास मोबाइल फोन है। अच्छा, अब मोबाइल फोन भी कैसे, अधिकतर लोग ऑर्डिनरी फीचर फोन नहीं स्मार्टफोन रखना पसंद करते हैं, स्मार्टफोन ही खरीदते हैं। अच्छा डेटा की बात कर लीजिए, पहले 3G डेटा स्पीड को अच्छा समझा जाता था, अब क्या हो गया 4G चल रहा है, आगे 5G आएगा। तो देखिए ऐसा है कि वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ ही हमें भी बदलना है और वक्त के साथ चलना है। ये समय के साथ जो नहीं चलेगा वो फिर पिछड़ जाएगा। अब देखिए ऐसा था कि पहले गली मोहल्ले में हर जगह ये कुकर मुत्ते के जैसे ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर खुल गए, अब उनका टाइम खत्म हो रहा है, वो टाइम खत्म हो रहा है, वो वक्त जा चुका है। मास्टर तो रहेगा, यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप वकालत करना चाहते हो, आप नृत्य सीखना चाहते हो, आप खाना बनाना सीखना चाहते हो, आप मोटर कार चलाना सीखना चाहते हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे सबसे पहले आपका वास्ता किससे पड़ेगा, मास्टर से। मास्टर से के बगैर कोई कुछ काम हो ही नहीं सकता। पढ़ाई की बात नहीं, खेलकूद में भी आप जाएंगे तो वहां पर फील्ड में आपको कोच मिलेगा और वो आपको जो है वो खेलकूद के बारे में सिखाएगा समझाएगा। तो मास्टर रहेगा लेकिन मास्टरी का तरीका बदल रहा है। तो इसमें यह है कि हमारा कुशल एडुकेट सर्विसेज का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने को क्यों बार बार कहते हैं वो अन्य किसी वीडियो में आपको जो विस्तार से समझा दूंगा मैं एक बार कि सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट है और क्यों चैनल सब्सक्राइब करना। आपका बच्चा कहीं पर भी प्राइवेट ट्यूशन में जा रहा है, प्राइवेट ट्यूटर के पास जा रहा है, एक बार आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा हमारे चैनल की विशेषताएं आपको कुछ बता दूं मैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो भी वीडियो सोल्यूशन अपलोड हो रहा है वो खुद मेरे सामने मेरे सुपरविजन में सोल्यूशंस रिकॉर्ड होते हैं, मैं पूरे टाइम यहाँ पर मौजूद रहता हूँ, खुद अपने सामने जो है मैं सोल्यूशंस बनवा रहा हूँ। एक एक सोल्यूशन को कई कई बार चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और जो भी मास्टर इसको इस काम को कर रहे हैं उन मास्टरों को टीचर को स्पष्ट निर्देश है कि सरल भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे। भाषा बहुत सरल रखी, जो सवाल व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवाए गए हैं तो उसमें तो नहीं, लेकिन अब जो जैसे सवाल जो है जो कि पेपर शीट्स पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, पेपर शीट्स पर सॉल्व कराने से ये रहता है हमें बेनिफिट की जो कैमरा है वो पेपर पे जहाँ पे एक्चुअल में काम हो रहा है उस पर फोकस रहता है। ये तो अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो कई बार क्या होता है खास करके छोटे बच्चे जो है वो जो कराया पढ़ाया जा रहा है उसको छोड़ के उनके दिमाग में तमाम और बातें जो घूमने लग जाती हैं कि सर का मोबाइल फोन कैसा है, सर का कोट कैसा है, मैडम की ड्रेस कैसी है या और बातें पे, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो वो काम से ज़्यादा इधर उधर की बातों पर उनका ध्यान जाता है। अब कागज़ पे सॉल्व हो रहा है सवाल तो उनका सीधा फोकस जो है वो जहाँ पर रहना चाहिए उससे वहीं पर रहेगा, एक बात। दूसरा क्या है, वो जो शीट्स हैं अभी ये हाल में फैसला लिया गया है कि वो जो शीट्स हैं उनको स्कैन किया जाए और स्कैन करके हम लोग गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं। तो अब क्या है कि आपको जो है नोट्स वाली जो समस्या रहती थी कि वीडियो देख लिया लेकिन नोट्स नहीं मिल रहा, तो आपको नोट्स भी आपको मिल जाएगा, आप गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हर एक तरीके से सुविधा जो है आपको दी जा रही है हमारे चैनल पे। तो यहाँ पर क्लास 8th की बात मैं कर रहा हूँ, तो क्लास 7th 8th में जैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चे को मोबाइल फोन देना क्या ठीक रहेगा, यदि आपके मन में ये संदेह आता है तो देखिए हमारे सॉल्यूशंस इस तरह से बनाए गए हैं कि आप स्वयं बच्चे के माता पिता, बच्चे का अभिभावक, आप उन सॉल्यूशंस को देख के समझ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया सॉल्यूशंस जो है, आप उसे देखिए, आप उसे समझिए और फिर जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठे तो आप उसे आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि भाषा सरल रखी जाए, सॉल्यूशन वेरीफाई करे गए हैं एक एक कि एक्यूरेसी उसमें बनी रहे, उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। और आपको ये मुफ्त की सेवा है,
आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपको खुद अंतर महसूस होगा। आशा करता हूँ हमारा ये जो प्रयास है ये आपको जरूर अच्छा लगेगा। यदि आपका कोई सुझाव है या तमाम एहतियात बरतने के बावजूद भी अगर हमसे कोई गलती है होती कहीं पर है या कोई त्रुटि है और आप हमें वो पॉइंट आउट करते हैं तो आप हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं और फिर मैं आपका जो है रेडी रहूँगा। तो क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस हैं और इसका लाभ फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग देख रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज है सीबीएसई पैटर्न की और जो है एक्सरसाइज 14.1 है। इसमें क्वेश्चन लिखा आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड पर है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। ये फर्स्ट दिया गया है 12x, 36, इसमें कॉमन टर्म आपको खोजना है। तो देखो कॉमन का मतलब होता है कि जो टर्म दोनों में मिले वो जैसे डिवाइड हो जाए, जैसे 12 है 12 से 36 डिवाइड हो जाएगा, तो जो इससे डिवाइड हो जाए वही कॉमन होता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा फर्स्ट है 12x, 36, इसका कॉमन देखो बताते हैं कैसे। तो पहले फर्स्ट आप ये 12 है 12 का फैक्टर कर लीजिए, 12x इसका करेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 × x लिख लेंगे। सेकेंड वाले का इसी तरह फैक्टर कर लीजिए, सेकेंड में फैक्टर करेंगे तो 36 है, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा ऐसे आप लोग कर लीजिए, जैसे 36 है तो इसको 2 से करिए तो 2 × 2 और एक करी लगा 2×8 = 16, फिर 2 से करेंगे 2×9 = 18, फिर 2 से 3 से करेंगे तो 3×9, 3 से करेंगे तो 1। तो इसका फैक्टर आ गया आप लोगों का 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए इसमें कॉमन आपको ढूंढना है तो यहां पर लिखेंगे कॉमन इक्वल टू कॉमन आपका देखिए एक 2 मिल गया तो एक 2 इसका लिख लेंगे, एक इसमें का 2 मिला है तो इसका भी 2 लिख लेंगे, एक 2 3 इसमें मिला है तो मल्टीप्लाई 3 इसमें लिख लेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे 2×2 = 4, 4×3 = 12, यही आपका कॉमन फैक्टर होगा। क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3rd है, ये देखिए लिखा है 14 क्वेश्चन नंबर 3rd 14PQ, 28P²Q²। तो अभी पीछे मैं बता चुका हूं कैसे फैक्टर करते हैं, 14 का और 28 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद PQ का, यहां पर भी PQ का जो दोनों टर्म सेम मिले वही कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों सामने 14PQ इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2×7×P×Q। अब सेम इसी तरह 28 का करेंगे, 28P²Q², तो 28 का होगा 2×7×2×P/2 तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा, तो P × Q/2 है तो इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे Q×Q। अब इसका कॉमन देखेंगे तो कॉमन आपका ये 2 मिलेगा, इसमें इसमें 7 मिलेगा और इसका P मिलेगा, इसका Q मिलेगा, तो जो टर्म दोनों टर्म में मिलेगा उसको नोट करेंगे 2×7×P इसमें मिल रहा और इसमें × Q,
तो यही आंसर हो जाएगा 14 PQ। ओके, अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 करने जा रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4th है, 2x, 3x² 4। तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो 2x का फैक्टर होगा तो 1 × 2 × x। अब सेम इसी तरह 3x² का फैक्टर करेंगे तो 3x² के किया जाएगा तो 1 × 3 × x पे 2 पावर है तो दो बार लिखोगे x × x। अब इसी तरह 4 का करिए तो 4 का हो जाएगा तो 1 × 2 × 2। अब इसका कॉमन फैक्टर खोजेंगे तो देखिए 1 1 सब में मिल रहा, यहाँ 2 इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें देखिए x है और इसमें नहीं है तो ये भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ आपका इसमें कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। अब इसी टाइप्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5th बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th है 6ABC, 24AB², 12A²B। अब जो है इसका फैक्टर कर रहा हूं, देखिए उसी तरह 6ABC तो 6 का उसी तरह फैक्टर करेंगे तो 1 फोर्टिशियन ले लेना, 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा × A × B × C। अब सेम इसी तरह 24 का आप लोग कर लीजिएगा, यहां लिखा 24AB² 24 का करेंगे तो इसका भी इसी तरह 1 × 24 का वैसे फैक्टर आप लोग ऐसे यहाँ कर लीजिएगा, 24 है तो 2 से काटिएगा तो 1 2, फिर 2 से करेंगे 2 6 2, से करेंगे 3 तो इसका फैक्टर आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × A × A मल्टीप्लाई बी पे 2 पावर तो दो बार लिखोगे B × B। इसी टाइप 12 का किया जाएगा 12A²B तो 12 का किया जाएगा तो 1 × 2 × 2 × 3 और A है A पे 2 पावर है तो इसको 2 टाइम्स करेंगे यानी A × A × B। अब इसका कॉमन देखेंगे तो 1 मिल गया और ये देखिए 2 मिल गया और अब इसमें 2 नहीं है, फिर उसके बाद ये 3 मिल जाएगा, फिर मल्टीप्लाई देखिए A मिल जाएगा और A अब नहीं है, फिर उसके बाद B देखिए तीनों में मिल गया आपका × B। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 AB, ए आंसर होगा इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी टाइप्स करेंगे। ये देखिए अब हिंट दे देता हूं, बाकी मेथड इसी तरह लगेंगे और आप लोग एक बार अपने से क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 16x³ − 4x², 32x। सेम इसी तरह आप लोग करिएगा, पहले 16x³ का फैक्टर कर लीजिएगा, 16 का करेंगे यानी जो होगा 2 × 2 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 और x पे 3 पावर है तो इसको x को 3 बार लिखोगे × x × x × x। सेम अब इसी तरह ये माइनस देखिए, माइनस का 4x² तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई ये 4 का यानी 2 मल्टीप्लाई 2
ओके, फिर x टू टाइम्स है तो मल्टीप्लाई x इंटू x, और फिर अब ये इसका कर लीजिएगा 32x का, इसका आप लोग सेम उसी तरह निकाल कर पेयर बना लीजिएगा, जो टर्म तीनों टर्म में मिलेगा वही कॉमन फैक्टर होगा। ओके, इसको आप लोग करिएगा। का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है सेवन है, इसमें देखिए ये लिखा 10 पी क्यू कामा 20 क्यू आर कामा 30 आर पी, तो इसका फैक्टर किया जाएगा, इसमें हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो जो है 10 पी क्यू का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा इसका 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। सेम इसी तरह 20 का किया जाएगा तो 20 क्यू आर है, तो इसका भी हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, एक क्यू आर है तो क्यू मल्टीप्लाई आर। अब 30 का करेंगे तो यहां पर 30 आर पी है, तो 30 आर पी का अगर 30 अगर ज्यादा फैक्टर है तो इसको जो है आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, ये 30 है तो इसको 2 से सिंप्लीफाई करिए, तो 2 अंजा 2 2 5 जा 10, फिर 2 से नहीं होगा 3 से करिए, 3 5 जा 5 से करेंगे तो 1, तो इसका फैक्टर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई पी आर मल्टीप्लाई पी। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर देखिए इसमें सब में 1 मिल रहा तो 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसमें देखिए 2 मिल रहा तो 2 लिखेंगे, और 5 देखिए 5 तीनों टर्म में मिल गया मल्टीप्लाई 5 फिर मल्टीप्लाई, ये देखिए p इसमें p नहीं है इसलिए कॉमन नहीं मिलेगा, इसमें p है, और q इसमें q है इसमें नहीं है ये भी नहीं कॉमन होगा, यानी आपका यही इतना नंबर ही कॉमन मिलेगा, और इस टर्म में पी क्यू में क्यू आर आर पी में नहीं मिलेगा कुछ, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो इसका कॉमन फैक्टर 10 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट है, इसको देखिए एट है, इसमें लिखा 3x2y³ 10x³y² 6x² y² z, इसका कॉमन देखो कैसे निकाल रहा हूं, तो पहले उसी तरह सेम 3 का किया जाएगा, 3x² y³, तो 3 का करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x 2 टाइम्स है तो लिखेंगे x मल्टीप्लाई y पे 3 पावर है तो इसको 3 टाइम्स, यानी y मल्टीप्लाई y। अब 10 का करिए तो आपका 10x³y², तो इसका करेंगे इसका भी हो जाएगा पहले 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया, और उसके बाद x के पावर 3 है इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी x मल्टीप्लाई x, और y 2 के पावर 2 है इसको 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई
वाई मल्टीप्लाई वाई, और लास्ट में आपका है सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसका करिए तो वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, और एक्स पे टू पावर है तो मल्टीप्लाई एक्स, वाई पर भी टू पावर है तो मल्टीप्लाई वाई और जेड मल्टीप्लाई यहाँ जेड। अब इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे तो तीनों टर्म में वन वन वन, तो पहला तो वन हो गया, और देखिए यहाँ थ्री है इसमें टू है इसमें टू है, इसमें थ्री नहीं मिला सेकेंड पार्ट में तो थ्री कॉमन नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद अब एक्स देख लीजिए, एक्स यहाँ मिल गया ये मिल गया तो मल्टीप्लाई एक्स हो गया, और इसमें ये भी एक्स तीनों पार्ट में मिल गया तो मल्टीप्लाई एक्स, और फिर वाई देखिए मिल गया आपका वाई इसमें मिल गया तो मल्टीप्लाई वाई, इसमें भी वाई मिल गया ए वाई मिल गया ए भी मल्टीप्लाई वाई, अब वाई नहीं मिल रहा और जेड भी नहीं मिल रहा, यही आपका कॉमन होगा। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर दो हो जाएगा, वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा, फिर वाई का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाई पे टू पावर होगा, यही आपका कॉमन फैक्टर मिलेगा इसमें। अब इसके बाद एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट लिखा है 7x, फ्लाई बोर्ड पे लिख देता हूं, ये इसमें फर्स्ट पार्ट लिखा है यानी 7x माइनस 42, इसका भी अब इसमें माइनस करके इसमें कॉमन ढूंढना है, फैक्टर करना है, तो इसको फैक्टर करेंगे तो पहले ये 7x ऐसे लिख लेंगे माइनस 42 का फैक्टर करेंगे, तो इसका 42 का देखिए फैक्टर ऐसे कर लीजिए, इसको आप दो से सिंप्लीफाई करिए तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर 3 से होगा 3 7 जा 21, 3 7 से करेंगे तो 1, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इन दोनों टर्म में कॉमन देखेंगे, इसमें जो टर्म मिले वही टर्म इसमें भी मिलना चाहिए, तो दोनों टर्म में कॉमन आपका देखिए 7 इसमें मिल गया और 7 यहाँ पर भी मिल गया, तो 7 ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और 7 कॉमन ले लिए बाहर तो ये निकल गया, तो बचा आपका 7 ब्रैकेट में x माइनस 2 3 जा 6, यही आंसर आपका होगा फैक्टर। अब सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट है देख लीजिए, सेकेंड पार्ट आपका है 6 पी माइनस 12 क्यू, तो इसका भी उसी तरह फैक्टर कर लीजिए यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पी फिर माइनस 12 का करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्यू। अब इन सब में देखेंगे कौन से टर्म से मिल रहा है, एक देखिए 2 यहाँ पर भी 2 मिल गया, 3 भी दोनों टर्म में मिल गया, और p यहाँ पर q है ये नहीं मिला, तो इसमें जो दोनों टर्म में मिला है उसी को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे यानी 2 मिला है मल्टीप्लाई ये 3 मिला है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और 2 से 2 ए कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा बचेगा यहाँ p, फिर माइनस
इसमें भी देखिए ए वाला टू कट जाएगा, ए टू बचेगा, ए थ्री कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा टू और ए क्यू। तो इस ए स्क्वायर प्लस 14a, इसका भी उसी तरह कॉमन लेंगे। तो कॉमन इसमें देखिए ऐसा टर्म लेते हैं जो दोनों से ए डिवाइड हो जाए, तो इसमें कॉमन आपको मिलेगा 7 और मिलेगा देखिए ए इसमें मिल रहा है, ए इसमें मिल रहा है, इंटू ए 7a कॉमन लेंगे तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका सब कट जाएगा, ए बचेगा आप प्लस 7 × 2 = 14, तो 2 बचेगा आपका, यही आंसर। पीछे डिटेल में मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। सेम अब क्वेश्चन नंबर 4th देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th है माइनस का 16z + 20z³। ये भी देखिए अब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट जो बताऊंगा। अब इसमें आप ऐसा नंबर ढूंढिए कि जो 16 और 20 दोनों एक ही नंबर से कट जाए, तो देखिए 4 से दोनों नंबर कट जाएंगे, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। और दूसरा टर्म देखिए जेड इसमें भी है, जेड क्यू इसमें भी है, तो एक जेड भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 4 और जेड। तो अब 4 का 16 में डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 = 16, लेकिन साइन माइनस है तो यहाँ माइनस का 4 और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब 4 का फिर डिवाइड करेंगे 20 में, तो 4 × 5 = 20, तो 5 और यहाँ जेड की पावर 1 है, जेड के पावर 2 है, तो एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा जेड के पावर 2, आपका यही आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5th देख लीजिए, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5th है 20L² m + 30A L m, इसमें भी उसी तरह कॉमन देखिए, ऐसा नंबर बताइए जो दोनों टर्म कट जाए, जैसे यहाँ 20 है यहाँ 30 है, तो मान लीजिए 10 से देखिए दोनों टर्म कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा, और नेक्स्ट देखिए एल स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एल है और एल भी कॉमन हो जाएगा, एम भी दोनों टर्म में मिल रहा, लेकिन तो ये 10 कॉमन मिल गया और एक इसमें से एल कॉमन हो जाएगा और एम कॉमन हो जाएगा, तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 × 2 = 20, तो 2 आएगा और एल से एक एल बचेगा यहाँ 2L प्लस इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 3 times जाएगा और इसमें एल एम कट जाएगा बचेगा ए, आपका यही 5 times है। अब क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 5x²y − 15x², इसमें भी सेम कॉमन देखिए 5 से 5 ए कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा और एक्स स्क्वायर है, इसमें भी x मिल रहा, इसमें x मिल रहा, इसमें y मिल रहा, इसमें y मिल रहा, तो जो छोटा पावर हो जिसपे वही कॉमन लेते हैं, तो इसमें 5 कॉमन हो जाएगा और x मिल रहा, तो इसमें x के पावर छोटा ये है तो x ये कॉमन हो जाएगा, इसमें
वाई कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा अब इसका डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा, पावर एक x बचेगा यहाँ पर माइनस, फिर 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 थ्री जा 15, तो 3 आ जाएगा और x से x कट जाएगा, y से एक पावर ये है तो कट जाएगा, y बचेगा, आपका यही आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर। अब इसमें देखिए तीन टर्म है लेकिन द सेम कंडीशन वही रहेगी, तो देखेंगे नंबर सेम उसी तरह, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 10, 15 और 20 तीनों टर्म एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए, तो इसमें 5 से तीनों टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लेंगे और देखिए यहाँ ए स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी, इसमें से कोई मैचिंग नहीं हो रही है, तो ये सब नहीं, सिर्फ 5 कॉमन मिलेगा, तो 5 टू जा 10, तो 2 ए स्क्वायर और 5 थ्री जा 15, तो ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और 3 टाइम्स गया 3 बी स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 5 का इसमें करेंगे 5 4 जा 20, तो 4 और ए सी स्क्वायर लिख लेंगे, बस ये आंसर आप लोगों का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइनस का 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस का 4 सी ए। अब इसमें भी देखिए सिंपल है, 4 4 4 तीनों टर्म में मिल गया तो मतलब 4 कॉमन हो गया, और यहाँ पर ए मिल गया, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो जो पावर छोटी हो उसी को पावर को लेंगे सबसे, तो ए कॉमन हो गया, और बी नहीं तीनों में मिल रहा, सी भी नहीं मिल रहा, 4 ए सिर्फ कॉमन होगा, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए बचेगा, लेकिन साइन माइनस है तो यहाँ माइनस का ए, फिर प्लस लिखेंगे, 4 से 4 डिवाइड होगा, ए से ए हो जाएगा, बी बचेगा, फिर माइनस 4 से 4 डिवाइड होगा और ए डिवाइड हो जाएगा, सी बचेगा, तो यहाँ सी। ये लिखा है 9 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसमें भी कॉमन आपको बताना है, तो इसमें देखिए कॉमन एक्स 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 तीनों टर्म में मिल रहा, तो छोटी पावर पीछे बता चुका हूं कि छोटा पावर जो होगा उसको कॉमन लेंगे, तो इसमें एक एक्स कॉमन ले लेंगे, फिर वाई 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 तीनों टर्म में मिल गया तो एक वाई इसमें कॉमन ले लेंगे, और जेड 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 इसमें भी एक जेड कॉमन लेंगे, तो इसमें से एक एक्स बचेगा क्योंकि इसके पावर 2 है, तो एक्स और वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए x से कैंसिल हो जाएगा, z से एक y बचेगा, फिर प्लस इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y और z से एक z बचेगा, बस ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 10, ये है a x स्क्वायर y प्लस b x y स्क्वायर प्लस c x y z, इसमें देखिए कॉमन
आपका ए बी सी इसमें सेम नहीं, ए बी सी अलग अलग टर्म है, यक्स, यक्स और यक्स, जो छोटा पावर हो उसको कॉमन लेंगे, यक्स मिल गया, और वाई 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 तीनों टर्म में मिल गया तो इसमें वाई कॉमन लेंगे और बाकी टर्म नहीं मिल रहा कॉमन, तो यहां बचा आपका ए, एक यक्स बचेगा और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, बी बचा और वाई से एक वाई बच जाएगा, प्लस यहां पर देखिए सी बचेगा और यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई जेड बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई, इसका आप लोगों को फैक्टर करना है। तो इसमें पेयर बना लेते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, तो फर्स्ट पेयर आपका ए हो जाएगा, सेकंड पेयर ए हो गया। इस पेयर में देखेंगे कामा क्या मिल रहा है, तो कॉमन जो है एक्स इसमें मिल गया और एक्स इसमें मिला, तो आपको कॉमन इसमें एक्स मिलेगा, तो ब्रैकेट में जब एक्स से एक्स में डिवाइड, एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स और प्लस, अब इस कॉमन एक्स से एक्स वाई में डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई, फिर प्लस इसमें अब देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा, तो कॉमन इसमें 8 मिल गया, तो 8 इसमें कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस वाई, अब दोनों ब्रैकेट में देखिए x प्लस वाई इसमें भी और इसमें भी, अब फिर इसको भी बाहर ले लेंगे एक ब्रैकेट में, तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, यानी x प्लस 8 आपका यही फैक्टर होगा। ओके, एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई है, इसमें अभी पीछे मैं बता चुका हूं कि पेयर फैक्टर करने के लिए इसमें पेयर बनाते हैं, तो सेम उसी तरह इसको भी पेयर बनाएंगे, एक पेयर ए बनाएंगे और एक पेयर ए बना, तो अब इस पेयर में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो इस पेयर में आप लोगों को दिख रहा हो एक्स इसमें और एक्स इसमें, दोनों टर्म में एक्स मिल रहा है, तो कॉमन आपका एक्स होगा, तो एक्स कॉमन होगा तो यहां पर आपका ए बचेगा और प्लस इसमें बी बचेगा, फिर ए आगे साइन माइनस है तो माइनस लेंगे, अब इस टर्म में देखेंगे दोनों में कॉमन आपका वाई मिलेगा, तो यहाँ वाई कॉमन ले लेंगे, अब ब्रैकेट में ए और एक ध्यान दीजिएगा ये साइन माइनस का है तो इस माइनस का इस माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस ए बी बचा वाई कैंसिल हो जाएगा, अब आपका ब्रैकेट के अंदर का साइन चेक कर लीजिएगा कि सेम साइन है या नहीं, अगर सेम साइन है क्वेश्चन सही है, देखिए ए प्लस बी इसमें भी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, तो इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे यानी ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लेंगे एक्स माइनस वाई, आपका यही फैक्टर होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए है, सेम इसका भी उसी तरह टाइप पेयर बनाएंगे, तो देखिए यहां पर बना रहा हूं ये है, यहां पर भी आ जाएगा क्वेश्चन फोर्थ, ये लिखा है 15 टी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी, तो देखिए
ए है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। इसको देखिए, ये पेयर इस तरह डायरेक्ट पेयर बनाएंगे तो आपका ब्रैकेट के अंदर का सेम नहीं मिलेगा। तो इसको जो है इस 15p को इस 9q को एक तरफ लिखेंगे और फिर इसको 15 और 25p को एक तरफ पेयर बनाओगे। तो यहाँ पर देखिए पेयर बना रहे हैं, ये 15pq फिर प्लस 9q अब प्लस, अब इसको लिखेंगे 25p प्लस 15। अब यहां से पेयर बनेगा, तो पेयर देखिए बताए थे ये और एक पेयर है। इस पेयर में कॉमन आपका देखिए नंबर में ऐसा नंबर देखते हैं कि जो दोनों टर्म का कट जाए, यहां 15 है यहां पर 9 है, तो ये 3 से दोनों कट जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका कॉमन एक मिलेगा 3 और देखिए यहाँ पी क्यू है, यहाँ सिर्फ क्यू है तो क्यू कॉमन मिल जाएगा 3q। तो ब्रैकेट में बचेगा 3 5 जा, तो यहाँ 5p और प्लस 3 का इसमें टेबल पढ़ेंगे 3 3 जा 9, तो 3 और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस इसमें कॉमन देखिए मिलेगा 5 5 से 25 और 15 दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5p प्लस 5 3 जा 15, तो 3। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम नंबर हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे यानी 5p प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3q प्लस 5। आपका ये फैक्टर है। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। यहां पर देखते हैं लास्ट में आपका टर्म 16 है और ए स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है। अगर यहां पर कोई टर्म होता तो इसका मल्टीप्लाई 16 में करना पड़ता, तो आप ये 16 का ऐसा फैक्टर करिए जो प्लस करने पर आना चाहिए 8। तो देखिए मैं फैक्टर करके बताता हूं, ए 16 है तो 16 का 2 से देखिए फैक्टर करो, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 2 से 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 1। अब इसका आप इसी फैक्टर से बनाइए कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और ऐड करने पर 8 आए। तो देखिए 2 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और फिर 2 का 2 में करेंगे तो 4 होगा, तो 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका फैक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे जैसे देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 यानी मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और यहाँ साइन देखेंगे प्लस है तो प्लस करने पर इसको 8 आना चाहिए, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो 8 के स्पेस पे आप 4 प्लस 4 रखेंगे, तो एक क्वेश्चन देखिए ए स्क्वायर प्लस इसके स्पेस पे एक वैल्यू 8 टर्म रख लीजिएगा यानी ब्रैकेट में 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज ए है तो ए लिख लेंगे और प्लस 16। अब इसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर टर्म ए है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4a, फिर a का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो प्लस 4a और प्लस का 16। इतना कंडीशन हो गया। अब एक क्वेश्चन में पीछे अभी आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसे कंडीशन में आप पेयर बनाते हैं, तो अब उसी तरह पेयर बना लीजिएगा, एक पेयर a और एक पेयर a,
और बता चुका हूँ स्फीयर में कॉमन कैसे लिया जाता है, तो मैं यहाँ पर डिटेल नहीं करूंगा। तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन ए मिल रहा है, तो आप ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा ए प्लस फोर प्लस इसमें पेयर में कॉमन आपका फोर मिलेगा, तो फोर ब्रैकेट में यहाँ बचेगा ए प्लस फोर, फोर जा सिक्सटीन। अब देखिए दोनों सेम मिल गया, ए प्लस फोर ए प्लस फोर, समझिए फैक्टर मेरा सही हो रहा है। अब इस जो कॉमन मिला है ए प्लस फोर, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, यानी ए प्लस फोर और जो ब्रैकेट के बाहर है कॉमन टर्म उसको एक ब्रैकेट में ए प्लस फोर, दोनों सेम है तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी ए प्लस फोर पूरे का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर टू हो जाएगा, या तो आप इसी पर रहने दीजिए या इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए, सेम वही है, लेकिन यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो इसका देखिए फैक्टर कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस टेन पी प्लस 25। अब सेम इसी तरह जैसे यहां पर 16 का देखिए फैक्टर किया था, उसी तरह यहां पर 25 का फैक्टर करूंगा, तो ये 25 का करेंगे तो 5 × 5 होगा, तो देखिए 5 × 5 करेंगे तो 25 होगा। अगर इसी को 5 इसको साइन यहां देखते हैं, यहां प्लस हो तो प्लस करने पर 10 आना चाहिए, अगर यहां पर माइनस हो तो माइनस करने पर 10 आना चाहिए, तो प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी 5 + 5 = 10। अब देखिए 10 के स्पेस पे रखेंगे 5 + 5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 10 के स्पेस पे 5 + 5 ब्रैकेट के बाहर पी प्लस 25। अब सेम जैसे पीछे बता चुका हूं p का मल्टीप्लाई इस 5 में और इस 5 में किया जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5p। ये ध्यान रखिएगा अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हो, तो जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो उसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, तो यहां पर प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस 5p प्लस का 25। अब उसी तरह पीछे बता चुका हूं पेयर बनाने के लिए, तो ऐसे पेयर बनाकर इसमें कॉमन मिल जाएगा आपका p, तो p कॉमन हो गया तो p माइनस 5, यहां पर माइनस कॉमन मिलेगा 5, तो यहां हो जाएगा p इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 5 × 5 = 25। अब सेम देखिए p − 5 हो गया, तो इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे p − 5 और एक ब्रैकेट में ये भी p − 5 ब्रैकेट के बाहर जो है, अब इसको भी लिख सकते हैं p − 5 का होल स्क्वायर। है 25m² + 30m + 9, तो इसमें जो है देखिए इसको आइडेंटिटी मेथड से मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं फार्मूला होता है a + b पूरे का होल स्क्वायर, इसका होता है a² + 2ab + b². अब इसी फार्मूले पर इसका फैक्टर करूंगा, तो देखिए यहां पर आपका 25m² है, तो अगर इसका 5m पूरे का होल स्क्वायर करते हैं तो 25m² हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 5m
पूरे का होल स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी 5m हो जाएगी, तो यहाँ 5m मल्टीप्लाई, अब b की वैल्यू देखिए यहाँ से देखेंगे ये 9, इस अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू 3 होगी। अब प्लस b स्क्वायर होता तो प्लस यहाँ b की वैल्यू यानी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चेक कर लेते हैं, देखिए इसका यहाँ पर आया 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर हो जाएगा, फिर 30m है तो देखिए मल्टीप्लाई करिए 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और m तो 30m हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 9 है तो इसका देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज किया गया, a प्लस बी, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपका 5m होगी और b की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5m प्लस 3, आइडेंटिटी में होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर होल स्क्वायर आपका यही फैक्टर है। इसी को देखिए मैं एक अलग मेथड से करता हूँ, जैसे यहाँ पर कोई टर्म हो तो इसका मल्टीप्लाई इस 9 में करते हैं, जो फैक्टर होगा जो नंबर होगा उसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पर 30 आए, तो देखिए पहले ये जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 25 का 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 5 जा 45, कि 5 कैरी लगा 4 और 9 2 जा 18, इसमें 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 20 225। अब 225 का ऐसा फैक्टर करिए जो प्लस करने पर 30 आए, तो देखिए फैक्टर कर रहा हूं 225 का, इसको 5 से फैक्टर करिए, और देखिए इसका फैक्टर करिए आप, अगर इसका देखिए 3 का 5 में करेंगे तो ये 15 होगा, इस 5 का 3 में करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। अब 15 और प्लस 15 करेंगे तो देखिए यहां पर 15 मल्टीप्लाई 15, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 225 और इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 30, तो जैसे यहां पर 15 प्लस 15 ऐड किए तो आ गया आपका 30। अब इसका फैक्टर यही होगा, यानी 225 का ऐसा फैक्टर करिए जो मल्टीप्लाई करने पर 225 आए और इसको ऐड करने पर 30 आए, तो देखिए ऐड करने पर 30 आया है। अब इसी को 15 प्लस 15 30 के स्पेस पे रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये 25m² प्लस 30 की स्पेस पे रखेंगे 15 प्लस 15 ब्रैकेट के बाहर m प्लस 9। अब पीछे बता चुके हैं कि इस m का इस 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25m² प्लस m का 15 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 15m प्लस इस 15 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 15m प्लस 9। अब पीछे बता चुका हूं इसका पेयर बनाने के लिए, तो 2 का पेयर बनाकर इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें कॉमन आपका मिलेगा 5 और m मिलेगा तो आ जाएगा 5m कॉमन मिलेगा तो 5 5 जा 25 यानी 5m अब प्लस 5 3 जा 15 तो 3m से m कैंसिल हो जाएगा प्लस इसमें भी कॉमन मिलेगा आपका देखिए 3 कॉमन मिलेगा 3 से 15 और 9 दोनों डिवाइड है तो यहां पर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15m प्लस 3 का 9 करेंगे 3 आएगा। अब देखेंगे ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे यानी 5m प्लस 3 और एक ब्रैकेट में जो कॉमन मिला है 5m
प्लस थ्री, अब दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए वही आंसर इसका भी आया, आपको जो सुटेबल लगे उससे से सॉल्व करिए। y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। इसको देखिए आइडेंटिटी पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो आप लोग जानते हैं ये आइडेंटिटी a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी पर इसको सॉल्व करूंगा, तो देखिए यहाँ ये स्क्वायर है तो इसको 7 अगर बोलते हैं 7y का होल स्क्वायर तो आपका 49y स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस आइडेंटिटी में है तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 7y हो जाएगी और b की वैल्यू इस टर्म से निकालते हैं तो मल्टीप्लाई a 6 6z होगा b की वैल्यू, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 6z का होल स्क्वायर, तो यहाँ सॉरी 6z का होल स्क्वायर, तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36z स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी कौन सी लगी है, a प्लस b, तो आपका a की वैल्यू 7 होगी और b की वैल्यू 6z होगी, तो आ जाएगा 7y प्लस 6z पूरे का होल स्क्वायर, आपका यही आंसर होगा फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 5th देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5th दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब इसको भी आइडेंटिटी पे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए आप यही माइनस, इसमें तो प्लस की आइडेंटिटी लगी थी, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस की लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी पर इस क्वेश्चन को फैक्टर करेंगे तो 4x स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस आइडेंटिटी में है तो माइनस 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x मल्टीप्लाई b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी आपका a माइनस बी का यूज हुई है तो a की वैल्यू 2x होगी और b की वैल्यू 2 होगी, तो यहां पर आ जाएगा 2x और माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर। इसमें अब 2 अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर मतलब एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और इसका ऐसे लिख लेंगे एक्स माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, आपका यही आंसर होगा। बी स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, इसमें भी पीछे बता चुका हूं आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखेंगे आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, यहां पर साइन माइनस का है
तो आइडेंटिटी माइनस की लगाएंगे यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आपका 121 है, इसका स्क्वायर 11 का करते हैं 11 बी पूरे का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 121। फिर माइनस, देखिए क्वेश्चन में 2 है तो 2 लिखेंगे आइडेंटिटी में, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपका 11 बी होगी, 11 बी फिर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आप यहां से पता करेंगे, ए 16 है इसका अगर 4 सी करेंगे तो 16 सी स्क्वायर होगा, तो यहां बी की वैल्यू आएगी 4 सी प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4 सी का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी ए माइनस बी का यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे ए की वैल्यू 11 बी और बी की वैल्यू 4 सी, तो यहां हो जाएगा आपका 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर, यही आपका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रैकेट में है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 एल एम, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसमें देखिए आप लोग आइडेंटिटी जानते हैं, एक होता है ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, ए आइडेंटिटी आप लोग जानते हो ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी आइडेंटिटी पर इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 एल एम प्लस बी स्क्वायर होता है तो b की वैल्यू m है तो m स्क्वायर, और माइनस इसको लिख लेंगे 4 एल एम। अब इसमें देखेंगे यहां पर भी एल एम है और यहां पर एल एम सेम है, तो यहां लेकिन प्लस का 2 एल एम, यहां माइनस का 2 एल एम, तब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये लिख देंगे ऐसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये 4 एल एम से 2 एल एम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 2 एल एम, ये फिर आपकी आइडेंटिटी बन गई कौन सी, ए माइनस बी की, क्योंकि ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसकी आइडेंटिटी बन गई। तो यहां पर वही डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख लेंगे एल माइनस एम पूरे का होल स्क्वायर, आपका यही आंसर होगा। यह एक यहाँ पर क्वेश्चन में है ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, इसमें आइडेंटिटी यूज किया हूं ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 4 है तो यहाँ ए का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा, प्लस है तो देखिए प्लस लगा दीजिए आइडेंटिटी में, 2 है तो 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू आपका ए स्क्वायर हो जाएगी, अब बी की वैल्यू यहां से पता करेंगे इसका बी स्क्वायर होगी तो ये बी स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी में बी स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले इसका आइडेंटिटी लगा है ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, तो यहां पर देखिए एक स्पेस पे आपका ए स्क्वायर है और b के स्पेस पे आपका b स्क्वायर है, तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आइडेंटिटी में होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर होल।
माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब इस टाइप में करना है। क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट लिखा है फोर पी स्क्वायर माइनस नाइन क्यू स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को जो है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए फोर पर नहीं स्क्वायर है या नाइन पर भी नहीं स्क्वायर है, तो फोर पर भी और इसको स्क्वायर बनाने के लिए लिखेंगे टू पी पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां इसको लिखेंगे थ्री क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी आपकी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक के स्पेस पे आपका टू पी है और बी की स्पेस पे थ्री क्यू है। तो इसको एक बार ऐड कर लेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा ये टू पी माइनस थ्री क्यू एक ब्रैकेट में और दूसरे में होगा टू पी प्लस थ्री क्यू, आपका यही आंसर होगा। क्लास एट का सीबीएसई पैटर्न का है, इसमें क्वेश्चन नंबर टू फैक्टराइजेशन करना है। फर्स्ट लिखा है 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16, इसका फैक्टर करना है। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर, ये लिखा है 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16, इसका फैक्टर देखिए पीछे बता चुका हूं ये फार्मूला यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप जानते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और फिर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी आइडेंटिटी पर इसको फैक्टर करेंगे। तो ये 9 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3x y पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी ए की स्पेस पे आपका 3x है 3xy और बी की स्पेस पर 4 है, तो इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे तो एक बार 3xy प्लस 4 एक बार माइनस करेंगे 3xy माइनस का 4, यही आपका फैक्टर होगा। अब इसी टाइप क्वेश्चन नंबर 7th देखिए बता रहा हूँ, 7th है सेवंथ लिखा है ब्रेकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज माइनस जेड स्क्वायर। इसमें ए देखिए आइडेंटिटी बनी है ए स्क्वायर ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, इस पे फैक्टर किया जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी है। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो ए की वैल्यू आपका एक्स है और बी की वैल्यू वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस ए जेड स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसमें फिर आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें ए की स्पेस पे आपका पूरा वैल्यू एक्स माइनस वाई है और बी के स्पेस पे जेड है, तो यहाँ पर रखेंगे ए की स्पेस पे एक्स माइनस वाई प्लस बी के स्पेस पे रखा जाएगा जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए के स्पेस पे एक्स माइनस वाई और बी के स्पेस पे माइनस का जेड, ये आपका आंसर होगा।
7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है आपका ax स्क्वायर प्लस bx, इसका फैक्टर करना है। तो इसमें पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को इसमें कॉमन लेने के लिए, तो देखिए इसमें कॉमन x और इसमें bx मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ax प्लस बी, यही आपका आंसर होगा। अब इसी टाइप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, सेकंड है 7p² + 21q²। तो इसमें कॉमन आपका मिलेगा 7, क्योंकि 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा आपका p² + 7 3 21, तो 3q² आपका सेकेंड का आंसर ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड लिखा है 2xq + 2xy² + 2xz². इसमें देखिए कॉमन देखेंगे तो सब में 2 2 2 सब में मिल रहा और x, तो सबसे कम पावर वाले कॉमन लेते हैं, तो पहला नंबर तो 2 कॉमन हो गया और x इसमें कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका x एक कैंसिल होगा तो x² + यहाँ 2x कैंसिल होगा तो y², यहाँ पर भी 2x कैंसिल होगा तो +z² आपका यही फैक्टर होगा आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ है am² + bm² + bn² + an² ए है, तो इसमें पेयर बनाइएगा, तो देखिए इसमें एक पेयर ए बनाइएगा, एक पेयर ए बनाइएगा, इस पेयर में कॉमन आपका m² मिलेगा, तो यहाँ पर m² कॉमन ले लीजिए तो बचेगा a + b, और इसमें कॉमन मिलेगा आपका n², तो यहाँ n² कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ b + a, ये दोनों सेम है तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन और m² a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस m² इसको a + b, अगर ये साइन माइनस यहाँ रहता तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ता, ये प्लस है तो या तो यहाँ पर लिख सकते हैं या तो साइड में लिखा जा सकता है a + b, तो इसमें कॉमन आपका a + b मिल गया, तो a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में m² + an² यही आपका आंसर है। ब्रैकेट में lm + l ब्रैकेट क्लोज प्लस m + 1, इसका फैक्टर करना है, तो इसमें आप कॉमन ले लीजिएगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, तो इसमें l दोनों में है तो l कॉमन हो जाएगा तो m + 1 मिलेगा, अब प्लस इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा तो इसको 1 लिख लेते हैं और m + 1 लिख लेंगे, अब दोनों में एक मिल गया कॉमन, फिर m + 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो बाहर उसको l + 1 एक ब्रैकेट में, यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है y(z+9) फिर उसके बाद ब्रैकेट में y+z, इसमें भी देखिए कॉमन आपका ब्रैकेट के अंदर का सेम नंबर मिल रहा y+z, तो y+z इसमें कॉमन हो जाएगा y+z,
तो बचेगा आपका ए वाई बाहर का अब प्लस यहाँ पर 9 बचेगा, यही आपका आंसर होगा। इसमें देखिए इसका फैक्टर करना 5y² - 20y - 8z + 2yz। तो इसको फैक्टर करेंगे तो पेयर वाले बना लेते हैं, दो पेयर बन गया। इस पेयर में कॉमन आपको मिलेगा 5y, तो यहाँ पर बचिएगा y माइनस का 4 और y से y कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस का इसमें कॉमन देखेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और z मिलेगा, तो आपका यहाँ बचेगा 2 4 4, ये साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाएगा और ये 2z से कट जाएगा, बचेगा y। लेकिन तब देखिए यहाँ पर y माइनस 4 है, यहाँ पर 4 माइनस y है, तो इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो देखिए ले रहे हैं कैसे 5y और ये y माइनस 4 लिख लीजिएगा माइनस 2z। जब इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा देखिए इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4, फिर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये y। ओके, फिर अब सॉल्व करेंगे तो ये 5y और ये y माइनस 4, इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2z और ये ब्रैकेट में ये y माइनस का 4 है प्लस y को पहले लिख लीजिए प्लस साइन को और माइनस को बाद में माइनस 4। अब देखिए सेम मिल गया y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर जो है 5y प्लस 2z ए ब्रैकेट में, यही आंसर होगा। वेलकम टू स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है। 8 में देखिए लिखा है, क्वेश्चन है 8 का, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब इसको भी पेयर बना लीजिएगा आप, एक पेयर a और एक पेयर a, पीछे बताए हैं पेयर बनाने का कंडीशन। इस पेयर में कॉमन आपको मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा 2 और यहाँ ए बी है, यहाँ ए है तो ए मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 5 जा, तो यहाँ 5b और प्लस 2 2 जा 4, यहाँ 2 होगा। फिर प्लस इसमें कॉमन आपको कुछ नहीं मिले तो उस कंडीशन में 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5b + 2। अब देखिए 5b + 2 फिर कॉमन ले लेंगे तो 5b + 2 ए ब्रैकेट में और जो बाहर ब्रैकेट के उसको लिख लेंगे 2a + 1, आपका यही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th देख लीजिए, 9th लिखा है, यहाँ लिख लेते हैं 9th है 6xy - 4y + 6 - 9x। इसका भी पेयर कर लीजिएगा उसी तरह, एक पेयर और एक पेयर ए बन गया, इसमें कॉमन मिलेगा आपका 2y, इस पेयर में 2y कॉमन मिलेगा तो बचेगा 2 3 जा 3x और -2 2 जा 4, यहाँ 2, y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसमें कॉमन मिलेगा आपका 3 मिलेगा, तो 3 कॉमन लेंगे 3 2 जा और -3 3 जा 9 और x,
अब इसके बाद देखिए, आपको अभी बताए हैं यहाँ पर 3x माइनस 2 है और यहाँ 2 माइनस 3x है, तो सेम नहीं है, तो इसमें भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर बता रहे हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे 2y और 3x माइनस 2, इसके बाद इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ये प्लस का ऐसे 3 लिखे रहेंगे, माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 3x आएगा। फिर अब सॉल्व कर लीजिए, 2y 3x माइनस 2, इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा माइनस का, और ये प्लस को पहले लिखेंगे माइनस को बाद में, तो 3x माइनस 2। अब देखेंगे ये दोनों सेम मिल गया, तो इसको ये ब्रैकेट में 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3, आपका ये आंसर है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 14.2 का। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है a की पावर 4 माइनस b के पावर 4, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a की पावर 4 माइनस b के पावर 4, इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b a ब्रैकेट में और a माइनस b a ब्रैकेट में, इसी आइडेंटिटी पर इसको फैक्टर करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, तो देखिए a का पावर पावर में मल्टीप्लाई होती है तो a की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस इसको भी फैक्टर करेंगे तो b का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इसमें भी पावर पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब इसमें a के स्पेस पे आपका ए स्क्वायर, b के स्पेस पे b स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ब्रैकेट में और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए ब्रैकेट में। अब इसका फिफ्थ आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे तो ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे, इसमें आइडेंटिटी फिर लगाएंगे यही ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, यही आपका आंसर होगा। वेलकम टू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 14.2 का, इसमें पार्ट थर्ड बता रहा हूं। थर्ड लिखा है x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की पावर 4, इसका देखिए फैक्टर करना है तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर पूरे का पावर 2, तो देखिए इसमें पावर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, इसमें भी पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है इसकी आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी आइडेंटिटी में रखेंगे तो ए की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर रखते हैं तो देखिए ए की स्पेस पे रखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी की स्पेस पे रखेंगे वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए की वैल्यू फिर एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी की वैल्यू वाई प्लस जेड है, यहाँ पर y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब फिर यही आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे,
एक ही स्पेस पे आपका एक्स हो जाएगा और बी की स्पेस पे वाई प्लस जेड होगा। तो इसको लिख लीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो ए प्लस बी मतलब एक्स आप प्लस बी की वैल्यू वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू आपकी एक्स फिर माइनस बी की वैल्यू वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में वाई प्लस जेड रखिएगा एक क्लोज ब्रैकेट। अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे छोटा वाला तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाती है। तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस ये वाई, इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और इसको लिख लीजिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड दूसरे ब्रैकेट में, और लास्ट में इसको लिख लीजिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद देखिए फोर्थ बता रहा हूँ, सेम इसी जैसा है। यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी साइन माइनस का है, बाकी सब उसी तरह सेम लगेगा। आप लोग इसको लगाइएगा या तो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, देख लीजिए। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है एक्स की पावर फोर माइनस एक्स माइनस जेड के पावर फोर, सेम उसी तरह फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी का लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी की लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर इसमें आइडेंटिटी ए माइनस बी का लगाएंगे, ए वाली आइडेंटिटी लिख देते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो यहाँ पर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको ऐसे लिखे रहेंगे ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी फिर लगाएंगे तो ए की वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर एक्स होगी, बी की वैल्यू एक्स माइनस जेड होगी, तो यहाँ पर ए बार प्लस करेंगे तो एक्स प्लस, और इसको लिख लेंगे एक्स माइनस जेड, एक बार माइनस करेंगे इसमें तो एक्स माइनस ब्रैकेट में ये लिखेंगे एक्स माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज। अब सेम इसी तरह आप इसको नोट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसको लिखेंगे सॉरी यहाँ एक्स था ये एक्स एक्स ऐड हो जाएगा तो होगा टू एक्स माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज। इसमें जो है ब्रैकेट जब ये हटाएंगे तो ये साइन चेंज होता प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा एक्स माइनस एक्स प्लस जेड, अभी माइनस प्लस है ये देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा ये ऊपर तो मिटा दें, आपका आंसर आएगा ये लिख लीजिए
इसको पहले इसमें जेड बचा है तो इसको पहले जेड लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट में ये वाला टर्म 2x-z और दूसरे ब्रैकेट में ये जो क्वेश्चन है इसको लिख लेंगे x² + (x-z) का होल स्क्वायर। या और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तो आप इतने पे छोड़ दीजिएगा, आपका यही आंसर है। इसको या तो और सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिए z 2x-z, तो देखिए इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a-b पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² + इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a, लिख देता हूँ यहाँ a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab + b² तो ये हो जाएगा x² - 2xz + इसको करेंगे तो z² फिर सॉल्व कर लीजिए z (2x-z) और x² ऐड करेंगे तो आएगा 2x² अब इसके बाद प्लस इसको लिख लीजिए z² - 2xz आपका ये आंसर। साइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 है a² - 2ab² + b² + d² है, इसका फैक्टर करना है। तो इसमें आप तो जानते हैं फार्मूला होता है a-b पूरे का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं होता है a² - 2ab और +b². अगर हम इसी फार्मूला को इस टाइप में कर लेते हैं a² - b² पूरे का होल स्क्वायर इसी फार्मूले को, तो देखिए अब इसी फार्मूले पर इसको रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a² और पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 2 लिख लेंगे, ए की स्पेस पे आपका a² है और बी के स्पेस पे b² है, फिर प्लस b² पूरे का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a² - 2a² - b² इसको सॉल्व करेंगे तो b⁴। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन ये आ गया, तो इसका मतलब ये a² - b² पूरे का होल स्क्वायर आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये लिखेंगे a² - b² का होल स्क्वायर ये आंसर होगा, और इसको अगर फैक्टर करना चाहते हैं तो ये देख रहे हैं आइडेंटिटी है a-b और a+b की है, ये फार्मूला जानते हैं a² - b² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करेंगे तो स्क्वायर एक बार इस पर लग जाएगा और एक बार इस पर लग जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ a+b का होल स्क्वायर इंटू इस पे यानी a-b का होल स्क्वायर। तो ये आंसर है।
एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें 5 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, फर्स्ट पार्ट है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर देखिए, एक तो आइडेंटिटी पर कर सकते हैं, ये आप तो एक फैक्टर से किया जाता है, तो 8 का ऐसा फैक्टर करिए जो प्लस करने पर 6 आए या मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो देखिए 4 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 जा सॉरी 8 का ऐसे फैक्टर कर लीजिए आप, 2 से करिए 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा, और फिर 2 से करेंगे तो 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 2 बचा, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस करने पर 6 आए। तो यहाँ पर इसी को प्लस करो, 4 + 2 = 6 तो 6 आ गया। तो इसी फैक्टर से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 6 के स्पेस पे रखेंगे 4 + 2 ब्रैकेट क्लोज पी प्लस का 8। अब इस पी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस पी का 4 में करेंगे तो 4p प्लस पी का 2 में करेंगे तो 2p और प्लस का 8। अब इसमें पेयर बना लेते हैं, इस पेयर में पी कॉमन मिलेगा तो पी कॉमन हो गया तो बचा आपका पी प्लस 4, और इस पेयर में 2 कॉमन मिलेगा तो बचेगा पी प्लस 4। अब ये पी प्लस 4 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये जो है इसको एक ब्रैकेट में पी प्लस 2, यही आपका आंसर है। लिखा है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब सेम जो फैक्टर बताए थे इसका भी 21 का फैक्टर कर लीजिएगा, ऐसे 21 का, तो ये कितना से 3 से कटेगा, 3 7 21 यानी 7 × 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, यानी 21 का ऐसा फैक्टर करिए जो प्लस करने पर 10 आए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो 21 हो गया, और इसको प्लस करिए तो 3 7 + 3 = 10, ऐड करने पर देखिए 10 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7 + 3 ब्रैकेट क्लोज क्यू प्लस का 21। अब क्यू का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर माइनस 7q, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3q प्लस का 21। अब पेयर बना लेते हैं इसका, इसमें कॉमन मिल रहा आपका क्यू, तो यहाँ हो जाएगा क्यू माइनस क्यू से कट जाएगा 7 बचेगा, या माइनस का 3 यहाँ कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर क्यू इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 7 21। तो अब इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी क्यू माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में क्यू माइनस 3, यही आंसर आपका है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, थर्ड क्वेश्चन है। सेम इसी तरह इसका भी फैक्टर किया जाएगा, 16 का ऐसा फैक्टर करिए, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 6 आए, यहाँ पर देखिए प्लस था तो प्लस करने पर 10 आया था। अब इसी तरह 16 का देखिए यहाँ फैक्टर कर रहा हूँ, तो 2 से करिए तो 2 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 4 जा, 2 से करेंगे 2 जा, 2 से करेंगे 1। अब इसमें से फैक्टर पेयर बनाना पड़ेगा, जैसे 2 का 2 में करिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
यहाँ तक 8 हो गया और बचा 8 2। इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, यानी 8 × 2 इक्वल टू 16। अब इसी को माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 6 आ गया, तो यही फैक्टर होगा यानी 8 और 2। तो यहाँ पर लिखा जाएगा वही पी स्क्वायर प्लस 6 के स्पेस पे लिखेंगे ब्रैकेट में 8 − 2 ब्रैकेट क्लोज पी माइनस 16। अब इस पी का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 8 का पी में करेंगे तो 8 पी, फिर पी का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 पी माइनस 16। पेयर बनाते हैं तो इसमें कॉमन मिलेगा आपका पी, पी कॉमन हो गया तो पी प्लस 8 और माइनस का यहाँ कॉमन मिलेगा 2, तो बचेगा यहाँ पी, इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2 8 16। अब दोनों सेम मिल गया कॉमन, यानी पी प्लस 8 एक ब्रैकेट में और पी माइनस 2 एक ब्रैकेट में, आपका आंसर है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ, इसमें डिवाइड करना है आपको। लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 28 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56 एक्स, इसका डिवाइड करना है तो देखिए कर रहा हूँ, ये लिखेंगे 28 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 56 एक्स। अब इसमें x से x डिवाइड करेंगे तो इसका पावर माइनस होता है, और इसको नंबर से डिवाइड करेंगे तो 7 × 4 = 28 यहाँ 4 लिखेंगे और 7 × 8 = 56 यहाँ 8 लिखेंगे, तो आ जाएगा ये 4/8 और इसका इसमें से पावर एक कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा आपका 3, तो हो जाएगा यहाँ 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 है तो 4 लिख लेंगे और इसमें पावर 1 है तो इसमें से माइनस पावर 1 करेंगे तो यहाँ इंटू रहेगा, तो ये आ जाएगा 4/8 x की पावर इसमें से 3 बचेगा, यही आपका आंसर होगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए डिवाइड कर रहे हैं और इसको सॉल्व करना है तो ये भी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से 4 से काटेंगे 4 × 4 = 4 2 = 8 तो आ गया 1/2 एक्स की पावर 3, आपका आंसर ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करना, जितने छोटे नंबर हो सके उतना किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड दिया गया है आपका माइनस का 36y³ डिवाइडेड बाई 9y² इसमें भी डिवाइड किया जाएगा तो आएगा माइनस का 36y³/9y² तो इसका डिवाइड करेंगे तो 9 × 4 = 36 तो आ गया आपका माइनस का 4, नीचे आपका कुछ नहीं बचा तो इसके पावर y है तो इसको लिखेंगे y के पावर 3 और इसके पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 y, इस पावर में से माइनस करेंगे तो इस 1 बचेगा, या लिख सकते हैं 4 y, आपका आंसर ये होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है इधर बता रहा हूँ, क्वेश्चन थर्ड लिखा है 66 PQ² RQ डिवाइडेड बाई 11 QR² अब इसमें डिवाइड कर रहा हूँ तो सेम उसी तरह डिवाइड करेंगे, ये 66
सिक्स पी क्यू स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर स्क्वायर। सेम करिए, इसको नंबर को काटेंगे, 11 वन जा 11, 11 सिक्स जा 66, तो आपका आ गया यहाँ 6 मल्टीप्लाई, ये p है, नीचे p नहीं है तो p ऐसे लिख लेंगे, यहाँ q है, इसके पावर 1 छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, तो इसके q के पावर 2 है, तो यहाँ q के पावर 2, आई इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1 इंटू आर के पावर 3 है, तो यहाँ आर के पावर 3, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पी, इसमें पावर से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पी क्यू आ जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये भी 1 आएगा, तो आंसर आपका। वेलकम टू स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4th बता रहा हूँ, 3rd बता चुका हूँ, 4th है आपका, ये लिखा 34 एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू डिवाइडेड बाई 51 एक्स वाई वाई स्क्वायर जेड क्यू। इसका देखिए डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड किया जाएगा तो ये 34 एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू अपान ये 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड होगा दोनों टर्म, 72 जा 34 और 17 3 जा 51 और इसके पावर में से माइनस किया जाएगा, तो लिखेंगे 2 अपॉन 3 एक्स लिख लेंगे, एक्स के पावर ऊपर 3 है आई इसके नीचे पावर 1 है, तो माइनस का 1 फिर मल्टीप्लाई वाई के पावर ऊपर 3 है नीचे माइनस 2 है, तो माइनस 2 फिर ये देखो सेम पावर है तो इस पावर को सिंप्लीफाई कर दी। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 2 अपॉन 3 एक्स पावर में से 1 निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और वाई 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, आंसर आपका ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th दिया है, 5th है आपका 12 ए की पावर 8 बी के पावर 8 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में लिया है माइनस का 6 ए की पावर 6 बी के पावर 4। अब देखिए ये माइनस में है तो इसका आंसर माइनस में डिवाइड करने पर आएगा, तो इसको लिखेंगे 12 ए की पावर 8 बी के पावर 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 6 ए की पावर 6 और बी के पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 वन जा 6 6 टू जा 12 तो ये माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, माइनस का 2 इंटू अब बताए थे पावर में से पावर डिवाइड करना तो माइनस होगा, तो ए की पावर 8 ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 इंटू बी के पावर 8 ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 2 ए की पावर 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 इंटू बी 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 आपका यही आंसर होगा। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है डिवाइड द गिवन पॉलीनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल्स, ये फर्स्ट दिया गया आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
ब्रैकेट में लिखा है 5x² - 6x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3x। 3x का आपको इसमें डिवाइड करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में 5x² - 6x डिवाइड करना, तो अपान का 3x लिखेंगे। अब इस दोनों टर्म में पीछे बता चुका हूँ कॉमन लेने के लिए, तो इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन आपका x मिलेगा, तो कॉमन लेंगे x तो बचेगा आपका 5x और माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 3x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/3 ब्रैकेट में 5x - 6, ये आंसर है। अब इसी टाइप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका ब्रैकेट में 3y^8 - 4y^6 + 5y^4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई y^4। इसका देखिए डिवाइड कर रहा हूँ, तो पहले इसको भी उससे उसी तरह लिखेंगे, ये 3y^8 - 4y^6 + 5y^4 और डिवाइडेड बाई ए y^4 लिख लेंगे। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें सब में वाई वाई कॉमन मिलेगा, तो y^4 सबसे छोटा नंबर है तो इसी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y^4, तो बचेगा आपका यहाँ 3, इस 8 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा y^4, फिर -4 लिख लेंगे, फिर y इसके पावर 6 है और यहाँ पर 4 है, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 2, फिर +5 y^4 से कैंसिल हो जाएगा अपान y^4 लिख लेंगे। अब y^4 से y^4 कट जाएगा, तो बचेगा आपका 3y^4 - 4y² + 5 आपका आंसर है। थर्ड बता रहा हूं, लिखा है थर्ड क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में x³ y²z² + x²y³z² + x²y²z³ डिवाइडेड बाई, इसी के आगे लिखा है फिर डिवाइडेड बाई 4x²y²z², इसका डिवाइड करना है, तो सेम करेंगे क्वेश्चन उसी तरह, ये लिखेंगे पहले 8x³y²z² + x²y³z³ ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4x²y²z²। अब देखिए 4 से एक सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 2 = 8, अब यहाँ पर आपका 2 बचा, इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन आपका यहाँ सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है z², तो इसमें कॉमन देखेंगे जो छोटा नंबर हो वही कॉमन होगा, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x², यहाँ पर भी x² है, तो x² आपका कॉमन हो जाएगा इसमें, और y² इसमें इसमें y³ इसमें y² है, तो छोटा y² है तो y² कॉमन होगा,
नेक्स्ट जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर, इसमें जेड क्यूब है, तो जेड स्क्वायर इसमें कॉमन होगा, तो आपका बचेगा इसमें से 3x³ है, यहाँ पर यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो पावर माइनस होगी, तो x बचेगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएगा, प्लस इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा और जेड स्क्वायर कट जाएगा, एक वाई बचेगा, प्लस इसमें जो है एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा और एक जेड बचेगा, अपान इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अभी सब पूरे कट जाएंगे तो बचेगा आंसर आपका 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपका आंसर ये होगा। ये लिखा है ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2x, सेम उसी तरह डिवाइड किया जाएगा, ये लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। अब इसमें कॉमन देखेंगे तो x सब में कॉमन मिल रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x, इस एक्स से एक्स कट जाएगा तो आपका आंसर होगा 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 5th क्वेश्चन है पी क्यू और q के पावर 6, e के पावर 3, q के पावर 6 माइनस p के पावर 6, q के पावर 3 ब्रैकेट क्लोज फिर डिवाइडेड बाय p q और q के पावर 3, इसका डिवाइड किया जाएगा, तो देखिए यहाँ लिखेंगे ऐसे p के पावर 3 q के पावर 6 माइनस p के पावर 6 q के पावर 3 अपान p के पावर 3 q के पावर 3। इसमें आप कॉमन देखेंगे तो आपका कॉमन मिलेगा, देखिए p यहाँ पर p यहाँ पर, जो पावर लोएस्ट हो वही कॉमन होगी, तो p के पावर 3 कॉमन हो गया और इसमें q के पावर 6 है, यहाँ q के पावर 3 है, तो लोएस्ट कॉमन q है, तो q के पावर 3 कॉमन हो गया, तो p के पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q के पावर 3, क्योंकि 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, और माइनस यहाँ पर भी बचेगा आपका q के पावर q, ये कट कैंसिल हो जाएगा, p के पावर 3 होगा, अपान इसको लिख लेंगे पी क्यू और q के पावर 3, ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा आपका q के पावर 3 माइनस p के पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। इस फर्स्ट पार्ट लिखा है, ब्रैकेट में लिखा 10x माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5, इसमें अब डिवाइड किया जाएगा तो लिखेंगे इसको 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। अब इसमें कॉमन मिलेगा नंबर में, देखें यहाँ 10 है या 25 है, तो इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 2x
माइनस फाइव फाइव जा 25 अपॉन 5, ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो आएगा आपका 2x माइनस 5, ये आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड है आपका ब्रैकेट में 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस 5, इसका डिवाइड देखिए करते हैं तो आएगा ये ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। अब ऊपर देख कॉमन देखेंगे तो ऊपर कॉमन आपका 5 मिलेगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x माइनस 5, 5 जा 25 यानी 5 अपान यहाँ पर 2x माइनस 5। अब ये 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5, आंसर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड है 10y ब्रैकेट में 6y प्लस 21 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में 2y प्लस 7, इसको डिवाइड करना है तो इसमें लिखेंगे 10y ब्रैकेट में 6y प्लस 21 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में 2y प्लस 7, ऊपर देखेंगे फिर कॉमन मिलेगा इसमें तो ये लिख लेंगे 10y इंटू इसमें कॉमन मिलेगा 3, 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 3 2 जा यानी 2y प्लस 3 7 जा 21 तो 7 अपान नीचे के लिख लेंगे 5 ब्रैकेट में 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 2y प्लस 7 कैंसिल हो गया और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 आएगा तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट लिखा है आपका ये 9x² y² ब्रैकेट में 3z माइनस 24 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 27xy और ब्रैकेट में जेड माइनस 8, जेड माइनस 8 ये क्वेश्चन आपका है तो इसको भी डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 9x² y² ब्रैकेट में 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय 27 एक्स वाई ब्रैकेट में जेड माइनस ए, ऊपर देखेंगे कॉमन मिलेगा 3 आपका तो इसको ऐसे लिख लेंगे 9x² y² मल्टीप्लाई 3 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस 3 एरिया 24 और डिवाइडेड बाई 27 एक्स वाई ब्रैकेट में जेड माइनस ए, ये जेड माइनस एट से कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे 3 9 जा 27 और 9 से 9 कैंसिल होगा, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगा, वाई से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा एक्स वाई, ये आपका आंसर होगा।
बच्चा डिवाइड करना है तो देखिए ये 96 ए बी सी और इसको लिख लेंगे 3a माइनस 12 और 5b माइनस 30, इसका डिवाइड करेंगे 144, ब्रैकेट में a माइनस 4 और b माइनस 6। इसको देखिए पहले सिंप्लीफाई नंबर को किया जाएगा तो 2 से करिए, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से इसको करेंगे तो 2 4 जा 8, बचा एक रिमाइंडर तो 2 8 जा 16, 2 से इसको किया जाएगा 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से इसको कर लीजिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर इसके बाद फिर 2 से हो जाएगा तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर बचा तो 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको करिए तो ये हो जाएगा 12, अब फिर भी 2 से ही हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर आप 3 से अब कर सकते हैं तो 3 2 जा और 3 3 जा, तो यहाँ पर बचेगा आपका ऊपर बचा 2 अपान नीचे 3 और इसको लिख लीजिए ए बी सी, इसमें देखिए कॉमन आपको 3 मिल जाएगा तो इनटू ये मल्टीप्लाई किए रहिएगा तो 3 कॉमन मिलेगा तो बचेगा यहाँ ए माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, इसमें आपका मल्टीप्लाई कॉमन मिलेगा 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी माइनस 5 सिक्स जा 36 अपान नीचे का टर्म लिख लेंगे ए माइनस 4 और इंटू बी माइनस 6। अब देखिए ए माइनस 4 ए माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस 6 से बी माइनस 6 कैंसिल होगा तो आपका आएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 और ए बी सी, ए बी सी अपान नीचे का टर्म 3 बचा है तो ए 3 से ए 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 5 जा 10, तो इसको ऊपर लिख देता हूँ तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ए बी सी आपका आंसर होगा। नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, ये लिखा फर्स्ट पार्ट में 5 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में लिखा 3x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2x प्लस 1 2x प्लस 1, इसका देखिए डिवाइड कर रहा हूं तो पहले ये लिख लेंगे 5 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब देखेंगे जो सिंप्लीफाई हो जाए उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 2x प्लस 1 इसमें मिला, 2x प्लस 1 यहाँ पर है तो आपका जो बचा उसको लिख लेंगे यानी 5 3x प्लस 5 आपका आंसर होगा यही।
थ्री का सेकेंड पार्ट देख लीजिए, ये सेकेंड पार्ट लिखा है 26xy और x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 13x ब्रेकेट में y माइनस 4। इसको देखिए डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये लिखेंगे 26xy x प्लस 5 और यहाँ y माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये 13x ब्रेकेट में y माइनस 4। ये y माइनस 4 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 13 टू जा 26 और x से x, तो बचा आपका 2, यहाँ बचा यहाँ y, तो 2y और ब्रैकेट में x प्लस 5 आपका आंसर है। साइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, लिखा है देखिए लिख रहा हूँ ब्लैकबोर्ड पर, पार्ट थर्ड है लिखा 52 पी क्यू आर ब्रैकेट में पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज, फिर क्यू प्लस आर भी ब्रैकेट क्लोज, फिर आर प्लस पी ये भी ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर डिवाइडेड लिखा 104 पी क्यू और ब्रैकेट में q प्लस आर ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है r प्लस p, इसी को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहा हूँ, ये लिखेंगे ऐसे 52 पी क्यू आर और पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी डिवाइडेड बाई इसको लिखेंगे 104 और पी क्यू ब्रैकेट में क्यू प्लस आर, फिर लिखा है आर प्लस पी, देखिए इसका डिवाइड किया जाता है तो आर प्लस पी से आर प्लस पी कैंसिल हो गया, क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्यू से क्यू कैंसिल होगा, पी से पी कैंसिल होगा। अब देखिए इसको आगे लिख लीजिए, लिखा 52 अपॉन 104, बचा यहाँ पर R और ब्रैकेट में P प्लस क्यू, अब देखिए इसको 52 और 104 है, इसका आप डायरेक्ट काट सकते हैं या देखिए छोटे नंबर से काटेंगे तो आएगा 2, डायरेक्ट काट दीजिए 51 जा और 52 जा 104 होगा, इसका तो आ जाएगा आपका यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर 1/2 आर ब्रैकेट में पी प्लस क्यू आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ देख लीजिए, ये मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 20y+4 और दूसरे ब्रैकेट में y² + 5y + 3 डिवाइडेड बाय 5y+4 ब्रैकेट क्लोज, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, ये लिखा है 20
ब्रैकेट में y प्लस फोर, दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में y प्लस 4 है। इसका डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे आप 20 ब्रैकेट में y प्लस 4 और y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 अपान, इसको लिखा जाएगा 5 ब्रैकेट में y प्लस 4। पहले आप y प्लस 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप 5 4 जा 20, इसके बाद आपका आएगा 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, आपका आंसर यही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ देख लीजिए, x ब्रैकेट में x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, फिफ्थ ब्रैकेट में x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट में x प्लस 1, इसका देखिए डिवाइड करेंगे तो इसको लिख लीजिए x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 अपान डिवाइडेड बाई यानी x x प्लस 1, इसमें x से x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5, इसका देखिए डिवाइड करेंगे तो पीछे आप लोगों को इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसका फैक्टर करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका फैक्टर करके इसमें डिवाइड करेंगे तो ये लिखेंगे, पहले लिख लीजिए y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपान, ये हो जाएगा y प्लस 5। अब इसके बाद आपको ये फैक्टर ऊपर को बताए थे कि 10 का ऐसा फैक्टर करिए जो प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, तो 10 का फैक्टर 5 टू जा यानी 5 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे यानी 5 प्लस 2 तो आपका 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में इसके बाद 5 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज y प्लस 10 अपान, ये लिख लेंगे ऐसे y प्लस 5, इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, ये y स्क्वायर प्लस y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5y प्लस फिर y का 2 में किया जाएगा तो 2y प्लस 10 अपान y प्लस 5। अब इसमें पेयर बनाने के लिए कंडीशन बताए थे, एक पेयर ए और एक पेयर ए बनेगा तो इस पेयर में आपका y कॉमन मिलेगा तो बचेगा y प्लस 5 और इस पेयर में आपका 2 कॉमन मिलेगा तो होगा y प्लस 5 अपान, इसको लिखेंगे y प्लस 5। अब इसमें देखिए y प्लस 5 कॉमन मिल गया तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे यानी y प्लस 5 और एक ब्रैकेट में होगा आपका y प्लस 2 अपान, इसको लिख लेंगे y प्लस 5। अब y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा y प्लस 2, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
सेकेंड इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, ब्रैकेट में लिखा है एम स्क्वायर माइनस 14 एम माइनस 32 डिवाइडेड बाय एम प्लस 2, ये क्वेश्चन है। इसका भी उसी तरह फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 14 एम माइनस 32 अपान डिवाइड कर लीजिए एम बाई 2। अब 32 का ऐसा फैक्टर करिए जो माइनस करने पर 14 आए, तो 32 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से करिए तो 2 से करेंगे 2 अंजा 2, 2 सिक्स जा 12, 2 से करेंगे 2 एट जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 फोर जा 8, 2 से फिर 2 टू जा 2 से 1। अब इसका 36 का ऐसा फैक्टर करिए जो माइनस करने पर 14 आए और मल्टीप्लाई करने पर 32 आए, तो इसमें देखिए 2 का इसमें करेंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और इसका इस अलग कर लीजिए तो 8 हो गया, ये हो जाएगा 4, तो 8 ये भी फैक्टर आपका नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद फैक्टर और इस टाइप में कर लीजिए, देखिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, इतना आपका 16 हो गया और यहाँ पर बचा 2। अब 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 आएगा, यानी 16 मल्टीप्लाई 2 तो आ गया आपका 32, और इसको माइनस करेंगे तो 14 आएगा, जैसे 16 माइनस 2 तो ये 14, तो कहने का मतलब इसमें 32 का ऐसा फैक्टर करिए जो माइनस करने पर 14 आए और मल्टीप्लाई उसी फैक्टर के करने पर 32 आए, तो इसका फैक्टर आएगा 16 माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 14 के स्पेस पे 16 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एम माइनस का ए 32 अपान एम प्लस 2, इसके बाद एम का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा आपका एम स्क्वायर, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 एम, याद रखिएगा माइनस का ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ पर साइन माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 2m और माइनस का 32 अपान नीचे लिख लेंगे जो है m प्लस 2। इसके बाद पेयर बनाएंगे इसका, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये बना, इस पेयर में आपका कॉमन मिलेगा m, m कॉमन होगा तो आएगा m माइनस 16 और प्लस इसमें कॉमन मिलेगा 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा एम माइनस, इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो 16 आएगा अपान एम प्लस 2 लिख लेंगे। फिर देखिए तो अब इसमें एम माइनस 16, एम माइनस 16 कॉमन मिल जाएगा तो एम माइनस 16 एक ब्रैकेट में और एम प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे अपान एम प्लस 2। अब आपका एम प्लस 2 से कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा आपका एम माइनस 16, ये आपका आंसर। फाइव पी स्क्वायर माइनस 25 पी प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाय लिखा है
पी माइनस वन, इसका देखिए पहले फैक्टर करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो ये पहले लिख लेते हैं 5p² - 25p + 20 / p - 1, तो इसका पहले फैक्टर कर लीजिए। तो इस कंडीशन में 5 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आ जाएगा ये 5 × 10 यानी 100। अब 100 का ऐसा फैक्टर करिए जो प्लस करने पर 25 आए, तो देखिए 2 से करिए तो 2 × 5 = 10, 0 2 से करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, तो देखिए इसका इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी 2 × 2 = 4, 5 × 20 और बचा है आपका 5, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 100, यानी 20 × 5 = 100। इसको देखिए प्लस करेंगे तो आएगा 25, यानी 20 + 5 तो आ गया आपका 25। इसके बाद अब देखिए ये 25 के स्पेस पे आप रखेंगे 20 + 5 ब्रैकेट में, तो देखो तो ये आएगा 5p² - 25 के स्पेस पे लिखेंगे ब्रैकेट में 20 + 5 ब्रैकेट क्लोज, ये p है तो p लिख लेंगे अब प्लस का 20 अपॉन p - 1, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद अब p का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 5p² - p का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20p, फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाएगा, फिर 5p हो जाएगा आपका प्लस 20 अपॉन p - 1। अब इसमें पेयर बना लेंगे, इस पेयर में आपका 5p कॉमन मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे 5p कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा p - 5 = 4, फिर उसके बाद इसमें आपका फिर 5 कॉमन होगा तो यहाँ p बचेगा, इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, अब 5 × 4 = 20 तो 4 यहाँ पर अपान ये हो गया आपका p - 1। अब इसमें p - 4 दोनों में मिल रहे हैं तो यही आपका बाहर कॉमन मिलेगा, यानी p - 4 एक ब्रैकेट में और इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में 5p - 5 अपान p - 1। अब इसके बाद देखिए इसमें भी आपका 5 कॉमन मिल जाएगा तो इसको इधर देख लीजिए, इसको ऐसे तो नोट कर लेंगे p - 4 × इस ब्रैकेट में 5 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा p - 1 अपान ये p - 1। अब ये p - 1 से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आंसर आएगा आपका 5 ब्रैकेट में p - 4। क्वेश्चन 5th है 5p³ (p²-q²) (2p)(p+q), तो इसको नोट कर रहा हूँ मैं, तो यह 5p³(p²-q²)(2p)(p+q), इसको देखिए डिवाइड कर रहा हूँ तो ये होगा 5p³(p²-q²)(2p)(p+q). अब ये फार्मूला आप लोग जानते हैं होता है a² - b² = होता है एक ब्रैकेट में a + b और a - b दूसरे ब्रैकेट में, ये आइडेंटिटी होती है आपकी।
इसी आइडेंटिटी पर इसमें यूज करेंगे तो आएगा, ये देखिए इसको ऐसे नोट कर लेंगे 5PQ, और यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा P+Q और दूसरे ब्रैकेट में P-Q अपान नीचे आपका है 2P ब्रैकेट में P+Q। अब देखिए P+Q से कैंसिल हो गया, 2 से सॉरी P से P कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 5/2Q ब्रैकेट में P-Q। नंबर 6, एफ 12 एक्स वाई ब्रैकेट में 9 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 एक्स वाई ब्रैकेट में 3x+4y, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका देखिए फैक्टर करना है और डिवाइड भी करना है, तो इसको लिखेंगे आप 12xy ब्रैकेट में 9x² माइनस 16y² अपान डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट में 3x+4y, ऐसे लिख लेंगे। इसमें अब आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, आइडेंटिटी होती है a² - b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, ये आपकी आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी पर यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो क्वेश्चन पे देखिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 12xy और ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें a 9x पूरे का होल स्क्वायर बनाना है तो लिखेंगे 3x पूरे का होल स्क्वायर माइनस इसी तरह 16 का लिखेंगे तो 4 हो जाएगा 4y पूरे का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपान नीचे का ऐसे नोट कर लेंगे 4xy और 3x+4y। अब इसमें आइडेंटिटी देखिए इस पर अप्लाई करेंगे, a के स्पेस पे आपका 3x होगा और माइनस है तो देखिए माइनस बी की स्पेस पे 4y, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12xy लिख लेंगे और इसमें आइडेंटिटी होगा एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, तो लिखेंगे यहाँ 3x+4y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x-4y ब्रैकेट क्लोज ये भी क्लोज अपान इसको लिख लीजिए 4xy और 3x+4y। इसके बाद देखिए आपका अब यही सिंप्लीफाई कर लीजिए 3x+4y, यहाँ पर भी 3x+4y कैंसिल हो गया, ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, 4 त्रिज्या 12, तो आपका बचेगा आंसर आएगा यही 3 ब्रैकेट में ये बचा है तो लिखेंगे 3x-4y, ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 39y³ ब्रैकेट में 50y² माइनस 98 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 26y² इस ब्रैकेट में 5y+7। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ,
लिखा 39y³ ब्रैकेट में 50y² माइनस 98 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 26y² ब्रैकेट में 5y प्लस 7। इसका भी देखिए फैक्टर और डिवाइड करना है तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए 39y³ और 50y² माइनस 98 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 26y² ब्रैकेट में 5y प्लस 7। इसके बाद देखिए इसमें आप कॉमन खोजिए तो 50 और 98 में 2 पहले कॉमन ले लीजिए तो आएगा ये 39y³ और मल्टीप्लाई इसमें 2 जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये 25y² माइनस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 4 8 पहले डिवाइड कर लीजिए 98 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 यहाँ 1 यहाँ पर आएगा 8। इसके बाद 2 9 18 तो यानी आएगा 49 ब्रैकेट क्लोज अपान इसको नोट कर लीजिए आप 26y² ब्रैकेट में 5y प्लस 7। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई किया जाएगा पहले उसके रिगार्डिंग लिखेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा 39y³ मल्टीप्लाई 2 इसको लिखेंगे 5y पूरे का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7 पूरे का होल स्क्वायर अपान 26y² ब्रैकेट में 5y प्लस 7। अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ये आइडेंटिटी लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी तो इसको अप्लाई किया जाएगा इसमें तो आपका आ जाएगा यहाँ से लिख रहा हूँ 39 इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई यहाँ 2 लिख लीजिए फिर y³ है तो मल्टीप्लाई y³ और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5y प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में 5y माइनस 7 अपान इसको नोट कर लेंगे 26y² और 5y प्लस 7। अब देखिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको तो 5y प्लस 7 से सिंप्लीफाई होगा और ये 2 से करेंगे ये हो जाएगा 13 डिवाइड और ये आएगा 39 थ्री टाइम्स जाएगा तो आपका बचा है यहाँ पर बचा है y³ और यहाँ पर y² तो इससे पूरे स्क्वायर से यहाँ y³ कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 पावर यहाँ पर 2 पावर है तो आपका 3y बचेगा तो यहाँ आ जाएगा 3y और ब्रैकेट में 5y माइनस 7 आपका आंसर ही होगा। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4x माइनस 5 इसको देखिए कैलकुलेशन करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है 4x माइनस 5। अब देखिए इसका जब ब्रैकेट हटाते हैं तो 4 का इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये 4 मल्टीप्लाई एक्स
माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, अब फिर 4 का 5 में करेंगे तो ये 20 आएगा, ये आपका करेक्ट आएगा। और इसमें देखिए जो दिया गया है, इसमें 4 का x में मल्टीप्लाई किया है लेकिन तो 4 का 5 में नहीं किया है, इसलिए ये टर्म आपका एरर होगा। इसी टाइप क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख लीजिए, सेकंड दिया गया है, सेकंड है x ब्रैकेट में 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। सेम उसी तरह इसको भी करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए x का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 3x, फिर प्लस x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 2, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, x का 3x में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस x का 2 में किया जाएगा तो 2x, इसका आंसर ये आएगा। और इसमें देखिए आप लोगों का दिया गया है x का 3x में तो मल्टीप्लाई किया है लेकिन तो फिर x का 2 में नहीं मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये टर्म करेक्ट टर्म आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x ये होगा। सेम क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 5xy। सेम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिएगा इस टर्म को, तो इस टर्म को सॉल्व होगा ही नहीं क्योंकि देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो इसको जो है आप यही लिख लेंगे आएगा 2x प्लस 3y इसका। और यहाँ पर ये क्या काम किया है, 2x और 3x को ऐड किया है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। ये टर्म जो है आंसर आपका सेम यही रहेगा 2x प्लस 3y। फोर्थ देख लीजिए, क्वेश्चन फोर्थ, इसमें दिया गया है x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। इसको देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ इस टर्म को, तो इसमें देख लीजिए कॉमन आपका सब में टर्म में x मिलेगा तो x कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ पर x इंटू इन टर्म को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5x6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6x, लेकिन तो आपका यहाँ पर दिया गया 5x, ये रंग दिया गया है, करेक्ट आपका 6x होगा। तो इसमें क्या किया है, इसमें 3 को और 2, 3x को 2x को ऐड कर लिया है और x को ऐड ही नहीं किया है, इसलिए ये टर्म एरर है और करेक्ट टर्म होगा 6x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 0। इसको देखिए सॉल्व कर रहा हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपका y टर्म सब में कॉमन मिलेगा तो y कॉमन लेंगे तो आएगा आपका 5 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो y इस प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए सबको तो 5 2 होगा 7 और 1 8 माइनस 7। अब इसमें से माइनस करेंगे तो y मल्टीप्लाई 1 इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो y आएगा, जबकि क्वेश्चन में 0 दिया गया है, 0 एरर सब टर्म है और y करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 3x + 2x = 5x². देखो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3x 2x, एक्स टर्म सेम है तो ये टर्म क्या होंगे, ऐड होगा, या आप इसमें और कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्स देखिए दोनों टर्म में कॉमन मिलेगा तो एक्स कॉमन लेंगे तो 3 + 2 आएगा। अब इसमें एक्स मल्टीप्लाई आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, करेक्ट टर्म ये होगा और इरेड टर्म ये आपका दिया गया है, जबकि इसमें क्या किया है 2 और 3 को ऐड कर लिया, फिर एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर लिख दिया है। आपका लेफ्ट टर्म दिया गया है 2x पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। इसको सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड टर्म आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर और प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 × 2 = 8x + 7, ये टर्म आएगा। लेकिन तो आपका यहाँ पर देखिए दिया है 2x², यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर नहीं किया है, x का स्क्वायर कर दिया है, फिर 4 का 8 में मल्टीप्लाई किया है, ये सही है, प्लस 7 8 करेक्ट है, लेकिन तो आपका यही टर्म आपका एरर होगा और करेक्ट टर्म आपका 4x² + 8x + 7 होगा। तो इसका जो है इसमें होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे लिख लेंगे तो अब इसमें आपका टर्म ए आ गया, जबकि यहाँ पर दिया गया आपका 4x दिया गया, जबकि x का स्क्वायर नहीं किया है और 5x ये तो करेक्ट लिखा है, ये टर्म आपका नहीं हो पाएगा, ये रॉन्ग होगा। तो लेकिन तो यहाँ पर ये देखिए अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये 4x ये 4x है तो इसमें आपका x देखिए कॉमन मिलेगा तो आपका होगा यहाँ पर 4 + 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका ऐड करेंगे तो एक्स प्लस इंटू 9 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x होगा, ये टर्म लास्ट वाले टर्म के इक्वल होगा तो ये आपका करेक्ट होगा और ये डज नॉट इक्वल टू होगा। ब्रैकेट में 3x + 2² = 6x + 4, इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें आइडेंटिटी आप लोग जानते हैं, ये होती है a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, इसका होता है a² + 2ab + b², इस आइडेंटिटी पर इसको देखिए मैं लिख कर रहा हूं तो आपका यहाँ पर लिखा है a के स्पेस पे 3x हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर और प्लस 2 × a की वैल्यू 3x इंटू b की वैल्यू 2 और प्लस b² मतलब 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x का होल स्क्वायर और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा 12x प्लस इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 4 आएगा। अब देखिए इसमें जो दिया गया आपका 3x² दिया गया है प्लस 6x + 4 दिया गया है,
जबकि करेक्ट आपका होगा 9x² + 12x + 4। अब देखिए इसमें जो किया है 3 लिख लिया और x का स्क्वायर किया है और 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो x हो गया है और 2 का स्क्वायर किया है स्क्वायर प्लस 12x + 4 होगा। सब्स्टिट्यूशन x = -3 जबकि क्वेश्चन दिया गया आपका ये दिया गया है a x² + 5x + 4 और लिखा है गिवन। अब x की वैल्यू इन्होंने जो रखा है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वैल्यू x की लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है x की स्पेस में -3 रखे हैं तो -3² + 5 ब्रैकेट में -3 उसके बाद +4 लिखा गया है। फिर इसको सॉल्व किया है तो लिखा प्लस का 9 + 2 + 4। अब इसको सॉल्व किया तो आया है 15। इतना क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करके, जबकि ये क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है। इसको देखिए मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ x की वैल्यू, तो x के स्पेस में -3 रखेंगे तो -3² + 5 और x के स्पेस में -3 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस हट जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 प्लस का 4। अब प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो 13 आएगा माइनस का 15, इसको माइनस किया जाएगा तो आएगा माइनस का 2। आपका आंसर करेक्ट होगा और ये जो क्वेश्चन दिया गया है गलत दिया गया। इसमें गलती क्या है, यहाँ पर देखिए 5x और x की वैल्यू 3 रखा, फिर इसमें से माइनस करके 2 लिख दिया है, गलती आपका ये है। और ये साइन यहाँ पर जबकि माइनस होना चाहिए और ये 15 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं मल्टीप्लाई किया हूँ यहाँ पर 15 + 4, इसलिए ये इधर यहाँ पर लिखा है x² - 5x + 4। इसमें x की वैल्यू -3 क्वेश्चन में जो लेट किया है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन में लिखा है -3² फिर -5 ब्रैकेट में -3 + 4। फिर यहाँ पर लिख दिया है 9 और ये लिखा माइनस का 15 और +4। जबकि यहाँ पर गलती देखिए, यहाँ पर माइनस किया क्योंकि माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा और इसका लिखा फिर उसके आगे माइनस का 2। अब देखिए इसी को मैं लेट कर रहा हूँ तो आएगा देखिए माइनस का 3² - 5, यहाँ x की स्पेस पे -3 लिखा जाएगा + 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये 15 और प्लस का 4। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा 9 और 4 13 + 15, इसको ऐड कर लीजिए 5 और 3 8 और 2 28 आंसर आएगा, जबकि इन्होंने माइनस का 2 किया है तो ये गलत किया। क्यों गलत किया, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। x² + 5x और x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 लेट करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कैसे लेट किया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो लेट किया तो यहाँ पर माइनस का 3 लिखे हैं, का होल स्क्वायर ये सही किए हैं, फिर उसके बाद प्लस तो प्लस है, फिर लिखा 5
और माइनस का थ्री। अब इसको माइनस थ्री का होल स्क्वायर किया गया तो ये लिखे हैं माइनस का नाइन, जबकि ये गलती किए हैं, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस होना चाहिए क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा। फिर उसके बाद लिखा गया माइनस का फाइव थ्री जो यहाँ फिफ्टीन, ये सही किया टर्म, लेकिन तो गलती आपका यहाँ पर टर्म होगा, यहाँ पर प्लस का होगा। तीनों ने सॉल्व करके आंसर लिखा है इसका 24, जबकि ये गलत है। यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का यहाँ टर्म हो जाएगा, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 15 सही लिखा है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा साइन माइनस का 6, क्योंकि जो ज्यादा नंबर आता है उसका साइन लिखा जाता है, तो आंसर करेक्ट आपका 6 आएगा, ये आपका 24 रॉन्ग है। लिखा है ब्रैकेट में y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस नाइन, इसका आंसर दिया है y स्क्वायर माइनस नाइन, जबकि ये रॉन्ग है, इरर करेक्ट है। अब इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पर इसको देखिए लेट करते हैं, ए के स्पेस पे आपका वाई है और बी के स्पेस पे थ्री है, तो यहाँ पर ए के स्पेस पे लिखा जाएगा वाई का होल स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू वाई मल्टीप्लाई बी की वैल्यू थ्री प्लस बी की वैल्यू थ्री का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स वाई प्लस का नाइन, ये आंसर आएगा, जबकि यहाँ पर दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस नाइन, तो जबकि प्लस का नाइन आना चाहिए, ये जो है सिक्स वाई इसमें लिखा ही नहीं गया, तो ये जो आपका गलत होगा और करेक्ट आपका वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रैकेट में जेड प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 25, इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे प्लस की, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी पर यूज करेंगे तो ए के स्पेस पे आपका जेड है और बी के स्पेस पर फाइव है, तो देखिए यूज कर रहा हूं तो ये हो जाएगा जेड का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू जेड और इंटू बी की वैल्यू फाइव प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइव का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो होगा जेड का होल स्क्वायर आप प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10z प्लस 25, इन्होंने देखिए जेड स्क्वायर प्लस 25 लिखा और 10 जो है नहीं लिखा है, इसलिए ये जो है रॉन्ग है और आंसर आपका आएगा ये जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस का 25। टोटल लिखा गया है ब्रैकेट में 2a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, इसका आंसर दिया गया है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसको करेक्ट करना है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर 13 का सलूशन लिखा है 2a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको लिखा गया है क्वेश्चन में 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसको देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ
इसका मतलब यहाँ पर देखिए 2a प्लस 3b है और इसमें a माइनस बी है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले 2a का मल्टीप्लाई a में करेंगे, फिर 2a का मल्टीप्लाई b में करेंगे, उसके बाद 3b का मल्टीप्लाई a में, फिर 3b का मल्टीप्लाई माइनस बी में किया जाएगा। तो देखिए कर रहे हैं, तो आएगा 2a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो लिखेंगे 2a मल्टीप्लाई ए, फिर उसके बाद साइन यहाँ माइनस है, बी में करेंगे तो माइनस का 2a मल्टीप्लाई बी, फिर अब 3b का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस है तो प्लस 3b मल्टीप्लाई ए, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 3b का मल्टीप्लाई बी में तो 3b मल्टीप्लाई बी। और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2a का a में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ab, प्लस इसमें करेंगे तो 3ab और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस 3b स्क्वायर होगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो होगा आपका 2a स्क्वायर, ये माइनस का 2ab है, यहाँ पर प्लस का 3ab है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन बड़े का लगता है, तो यहाँ पर बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ ab और माइनस का 3b स्क्वायर, जबकि करेक्ट आंसर इतना आया है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ 2a स्क्वायर तो लिखा है, फिर माइनस 3b स्क्वायर लिखा है और ए बी टर्म जो है गायब कर दिया है, इसको नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 है आपका, ब्रैकेट में लिखा गया a प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2 और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8। इसको भी देखिए उसी तरह जैसे अभी मल्टीप्लाई बताए थे, सेम मल्टीप्लाई किया जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए मल्टीप्लाई ए, फिर ए का 2 में करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा ए मल्टीप्लाई 2, फिर 4 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई ए प्लस 4 का 2 में किया जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, अब प्लस a का 2 में करेंगे तो 2a, अब प्लस 4 का a में करेंगे तो 4a, प्लस 4 का 2 में करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए यहाँ 2a 2a ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 और 4 6a प्लस का 8, ये आपका आंसर आएगा। इन्होंने क्या किया है, ए स्क्वायर तो सही लिखा है प्लस 8 भी लिखा है और 6 टर्म को नहीं लिखा है, इसलिए जो है आपका रंग है और करेक्ट आंसर ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8 होगा। ब्रैकेट में a प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 8 लिखा है। इन्होंने देखिए मैं अभी सॉल्व किया था तो आया ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस का 8, और इन्होंने क्या किया है ए स्क्वायर कर लिया है, ए का ए में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर कर हो गया है और 4 का 2 में किया है तो 8 हो गया है, जबकि ये मेथड रॉन्ग है, इसको जो है आप कैलकुलेशन से ऐसे करेंगे। इन्होंने देखिए क्या किया है, ए का ए में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर कर लिया है और 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया है तो 8 किया है, जबकि यहाँ पर साइन प्लस का होना चाहिए, ये रॉन्ग मेथड है। अब देखिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो होगा ए मल्टीप्लाई ए, फिर ए का माइनस 2 में करेंगे प्लस माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस का ए में करेंगे तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए, फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, 4 का 2 में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2।
इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये स्क्वायर होगा माइनस का, इसको करेंगे तो 2a होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4a और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस का और लगता है, तो माइनस 6a प्लस का 8, आंसर इतना आएगा। इन्होंने सिर्फ लिखा है ए स्क्वायर माइनस 8 लिखा है, 6 लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, 16 लिखा है 3x² / 3x² इक्वल टू 0 किया है, जबकि ये गलत है, 0 नहीं होगा यहाँ पर, थ्री एक्स स्क्वायर सेम नंबर है तो ये कट कर 1 आता है आंसर, आ यहाँ पर लिखा है 0 लिखा है तो ये गलत 0 है, आंसर 1 होगा। नंबर 17 देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है 3x² + 1/3x² = 1 + 1 = 2। इसको देखिए ये रॉन्ग किया है, इसको मैं पहले करेक्ट बता रहा हूँ आपको, ये लिखा है 3x² + 1/3x², इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 3x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x² / 3x² ये प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, ये 1 है तो 1/3x². अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1 + 1/3x², जबकि इन्होंने क्या किया है ये 3x² से काट दिया है तो यहाँ 1 + 1 लिखा है, तब इसको ऐड करके 2 लिख दिया है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, क्वेश्चन 18 इसमें लिखा है 3x / 3x + 2 = 1/2, ये भी गलत सॉल्व किया गया है, इसमें इन्होंने किया है इस 3x से 3x काट दिया है, ऊपर 1 बचा 1 लिख लिया है, यहाँ पर 1 और इसको 1/2 ऐसे लिख लिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका यही आएगा, यानी 3x / 3x + 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का देख लीजिए, 19 भी सेम उसी तरह है, क्वेश्चन देखिए इसमें जो सॉल्व किया गया है ये 3x से 3x काट दिया है और यहाँ 1 बचा है और 4x नीचे है तो 4x लिख लिया है, जबकि ये गलत है, इसका आंसर ही आपका यही रहेगा 3/4x + 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लिखा है 4x + 5/4x = 5, ये गलत किया, 5 नहीं होगा, ये क्या किया है ये 4x से 4x कैंसिल कर दिया है, ये 5 बचा तो = 5 लिखा है, जबकि ये रॉन्ग है, इसको देखिए करेक्ट बता रहा हूँ, ये लिखा है 4x + 5/4x, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 4x का 4x में डिवाइड होगा, फिर 4x का 5 में भी डिवाइड होगा, तो ये लिखा जाएगा 4x / 4x और प्लस है तो प्लस 5/4x, अब ये 4x से 4x कट के यहाँ 1 बचेगा तो आ जाएगा 1 + 5/4x, आपका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 21 देख लीजिए, 7x + 5/5, यहाँ पर भी देखिए = 7 लिखा है, इन्होंने भी गलत किया है, ये क्या किया 5 से 5 कैंसिल कर दिया है और 7x लिखा है, जबकि एक कंडीशन गलत है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल होता, यहाँ प्लस है इसलिए गलत है, अब इसको देखिए करेक्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ है 7x + 5/5, इसको भी एक बार 7 5 का 7x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x / 5
अब प्लस 5 का 5 में इसमें डिवाइड किया जाएगा तो 5 अपॉन 5, ये 5 से 5 कैंसिल होकर 1 बचेगा तो ये आएगा 7x अपॉन 5 प्लस 1, आपका आंसर ये होगा।